शिवपुरी जिले की बहराड़ कृषि उपज मंडी में फसल के उचित दामों को लेकर व्यापारियों और किसानों में विवाद हो गया, जहां व्यापारियों ने अचानक डाक बंद कर दी, जिसके बाद किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया और मंडी प्रांगण के बाहर पहरी मोहना रोड पर ट्रैक्टर खड़े कर जाम लगा दिया। किसान सड़कों पर बैठ गए, जहां जाम के बाद सड़कों पर दोनों ओर से वाहनों की लंबी लाइन लग गई। आनन फानन में सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचे, जहां मंडी सचिव रामकुमार शर्मा और पुलिस बल द्वारा समझाइश देकर जाम को हटवाया गया, जिसके बाद किसानों की वापस फसल की डाक लगाना शुरू हुई। बता दें कि व्यापारी द्वारा फसलों की बोली लगाई जा रही थी, उसी दौरान 5001 रुपए पर बोली टूट गई, जिसके बाद व्यापारी महेंद्र कमलेश बंसल द्वारा उक्त फसल की बोली 5050 लगा दी, जिससे व्यापारियों में आपस में विवाद हो गया और डाक लगना बंद हो गई, जिसके बाद किसानों ने विरोध करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया, जहां मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन सहित मंडी सचिव ने जाम को हटवाकर पुनः डाक लगाना शुरू कर दिया। बरार से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गोली भर के लगाई थी सभी बनिया, उनसे गाड़ी गलौज करने लगे, तूने 5200 में क्यों करी बोले हुआ अंदर है ना, तो आप चलिए कंप्लेन करो, गरीबों को।